Hello everyone, welcome to Dikshant's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 1. So today our topic is describing words. Okay? So आज का ये जो हमारा English जो है वो communicative नहीं है, वो क्या है? Grammar. English, grammar and composition. And this is our chapter 5. So now, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी डिस्क्राइबिंग, ये जो वर्ड है डिस्क्राइबिंग, इसका ही मतलब है किसी को डिस्क्राइब करना, है ना, यानी वो कैसा दिखता है. अब लड़की तो है वहाँ पर, अब वो लड़की जो है स्वीट दिखता है या क्यूट दिखता है. अब बॉल तो है वहाँ पर, है ना, बॉल जो है ब्लैक कलर का है या फिर ब्लू कलर का है या फिर वाइट कलर का है, बड़ा है या छोटा है. इस तरीके से हम कोई भी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं ना, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो डिस्क्राइब करने का मतलब यही है. अब ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो देखेंगे. ठीक है, सुनाओ. अब डिस्क्राइब का मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया, अब इंग्लिश ग्रामर में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है. ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम जब हम लोग ने नाउन किया था, क्या किया था हम लोग ने लास्ट टाइम, हमने नाउन किया था, है ना, नाउन किया था हमने पिछली बार. पर नाउन जो है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोले जाते हैं, बट एक्चुअली में हमने क्या देखा, नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग वर्ड को ही इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोले जाते हैं. ये हमने पढ़ा था पिछले बार, है ना, नाउन यानी कि कोई भी चीज का जो नाम जो होता है उसको ही हम नाउन बोलते हैं, है ना, एंड नेमिंग वर्ड को ही इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोले जाते हैं. तो ये अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है वो देखेंगे. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट टेल सम क्वालिटी ऑफ अ नेमिंग वर्ड. यानी कि नेमिंग वर्ड यानी कि क्या है, नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन के बारे में. ठीक है, नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन. तो क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट टेल सम क्वालिटी ऑफ अ नेमिंग वर्ड. सो यानी कि नाउन के बारे में. अब नाउन क्या है, नाम है, किसी का भी नाम है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर डॉग हो या फिर इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल, कुछ भी, है ना, दैट इज आवर नाउन. सिर्फ नाम होना चाहिए. इवन हमारे ये पैनल, पैनल भी एक नाउन है, क्योंकि पैनल क्या एक नाम है ना. जैसे कि हमारा पेन, ये भी नाउन है. जैसे कि हमारा वॉच, ये भी नाउन है. क्यों? क्योंकि इसका नाम है. कोई भी चीज का जो नाम जो होता है उसको हम नेमिंग वर्ड या फिर इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोलते हैं. एंड यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है इसी नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं. जिसकी ये हमारा पैनल है, ठीक है, अब कैसा पैनल है, ये बिग पैनल यानी कि बड़ा वाला पैनल, यानी कि पैनल जो है बिग करके डिस्क्राइब किया ना, तो दैट इज आवर डिस्क्राइबिंग वर्ड. अगर ये पैनल जो है वो छोटा होता तो स्मॉल पैनल, यानी कि क्या पैनल कैसा है, स्मॉल है, यानी कि छोटा है कह के डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या हुआ हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना. अब ये हमारा पेन है, ओके, दिस इज आवर पेन, यानी कि ब्लैक पेन. ठीक है, ब्लैक पेन है ये, पर पेन कैसा है, ब्लैक है, यानी कि पेन को किस तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं, ब्लैक कलर से. ठीक है, तो वो है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड. अगर ये मेरा पेन जो है वो ब्लू कलर का होता तो दिस इज माई ब्लू पेन. अब पेन क्या है, पेन नेमिंग वर्ड या फिर इंग्लिश ग्रामर हम नाउन बोलते हैं. अब पेन कैसा है, ब्लू पेन यानी कि नाउन, एंड उसके आगे लगाने जाने वाला क्या है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि पेन जो है वो ब्लू कलर का है ना. अब ये हमारा वॉच है, आप लोग देख सकते हैं वॉच है ये, है ना. अब वॉच क्या है, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड.
नेमिंग वर्ड को ही इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोलते हैं। अब ये वॉच कैसा है? स्मॉल वॉच, यानी कि हमारा वॉच कैसा है? स्मॉल है, छोटा है, यानी कि छोटा है के डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोई भी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं उसको ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बट जिस तरीके से हम नेमिंग वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोलते हैं, उसी तरीके से ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम ग्रामर में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर वी कॉल देम एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या बोले जाते हैं? एडजेक्टिव्स। यानी कि आज के क्लास में हम, यानी कि आज के क्लास में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि किसके बारे में पढ़े हम? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि हमारा एडजेक्टिव्स, adjectives, एडजेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि हम आज के क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसके आप लोग यहाँ पर गर्ल, गर्ल है ना, स्वीट गर्ल है, तो ये गर्ल तो है, गर्ल यानी कि क्या है? गर्ल एक नाउन है। ठीक है, यानी कि वो एक नाम है, नाउन है गर्ल। पर कैसा गर्ल है ये? स्वीट गर्ल, यानी कितना स्वीट है, प्यारा सा, यानी कि स्वीट से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं ना गर्ल कैसा है ना। तो यही हमारा एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होता है हमेशा नाउन के आगे होता है, पीछे नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? एक बहुत बड़ा सा एक पैनल है, यानी कि पैनल, दिस इज अ बिग पैनल। क्या है ये? दिस, अच्छा विल राइट ओवर हियर, जैसे कि दिस इज अ बिग पैनल। अब ये पैनल कैसा है? बहुत बड़ा है ना, दिस इज अ बिग पैनल। अब यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, यानी कि नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज का नाम, इंसान का नाम हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का नाम, नामी होना चाहिए, उसको ही हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है हमारा? पैनल। अब पैनल कैसा है? बिग है, यानी कि क्या है ये हमारा? एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स जो है हमेशा नाउन के आगे होता है, एडजेक्टिव्स नाउन के आगे। ठीक है, तो नाउन, नाउन के पीछे कभी भी एडजेक्टिव्स नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे दिस इज अ पैनल बिग, अब क्या है? अब ये तो गलत है, ये तो ये रॉन्ग है। सही वही रहेगा जो हमारा नाउन या फिर नेमिंग वर्ड होता है उसके आगे जो डिस्क्राइब करने वाला जैसा वो कैसा है ना, इस तरह से लिखे जा रहे हैं, डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, दैट इज आवर डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड इंग्लिश ग्रामर हम उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने रेड कलर से लिख रहे हो ना मैं यहाँ पर, अब ये क्या हमारा? रेड पेन है, एंड पेन नाउन है। अब पेन कैसा है हमारा? रेड। अब पेन रेड नहीं होगा, रेड पेन होगा। यही हमारा एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है हमेशा किसके आगे होता है? हमेशा हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स से बोलते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, वो हमेशा नाउन के आगे होता है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो नाउ, जिसकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है। ठीक है, बॉय और गर्ल है। अब बॉय कैसा है? अब बॉय क्या है? बॉय हमारा नाउन है, नेमिंग वर्ड है ना। गर्ल, गर्ल क्या है हमारा? नाउन है, यानी नेमिंग वर्ड, लड़का और लड़की है। अब यहाँ पर बॉय जो है वो कैसा है? बॉय, बॉय जो है वो टॉल है। ठीक है, कैसा है? टॉल। एंड गर्ल जो है, जो हमारा नाउन जो है, अब गर्ल कैसा है? शॉर्ट, यानी कि छोटी है ना। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन जो है इसको डिस्क्राइब किसने किया है? टॉल एंड शॉर्ट, एंड यही हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, सो नाउ अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बॉय है, टू बॉय है ना, यहाँ पे एक है एंड यहाँ पर दूसरा बॉय है, और ये जो बॉय जो है, ये बॉय जो है हमारा, ये कैसा है, फैट है, और ये कैसा है, थीन है, ठीक है। अब बॉय क्या है हमारा, नाउन या फिर नेमिंग वर्ड, एक ही है। जिस नेमिंग वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोले जाते हैं, ठीक है, बॉय। अब ये बॉय कैसा है, बॉय थीन, यानी कि थीन बॉय, यानी कि लड़का तो है पर कैसा लड़का है, थीन, यानी कि डिस्क्राइब किया ना, थीन है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स यही है। अब यहाँ पर बॉय है, अब बॉय तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर ये बॉय कैसा है, ये बॉय फैट है, यानी कि यहाँ पर जो बॉय जो है वो थीन है एंड यहाँ पर जो बॉय जो है वो फैट है, यानी कि डिस्क्राइब किया ना, ये थीन है एंड ये फैट है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ओल्ड मैन, यानी कि मैन कैसा है, ओल्ड, ठीक है, मैन कैसा है, यहाँ पर ओल्ड है एंड यहाँ पर जो बॉय जो है वो क्या है हमारा, यंग, ठीक है। अब मैन यहाँ पर है, यहाँ पर बॉय जो है और मैन कैसा है, ओल्ड है, यंग मैन भी तो हो सकता था, है ना, ओल्ड मैन, यहाँ पर बॉय है और ये बॉय कैसा है, यंग, यानी कि यंग बॉय, ओके। तो ये रहा हमारा थीन, यानी कि थीन, यानी कि जो डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव्स, एंड बॉय जो कैसा है वो फैट है, तो ये हम एडजेक्टिव्स एंड वो हमेशा नाउन के आगे ही होता है। एंड यहाँ पर जो हमारा मैन जो है वो ओल्ड है एंड यहाँ पर जो हमारा बॉय जो है वो यंग, ये हमारा एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइब कर रहा है हमारा नाउन को। सो नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम एक बार देखते हैं, पढ़ लेते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। टू लर्न दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बिग स्मॉल है ना, यानी कि बिग पेन, बिग बैग भी होता है, स्मॉल बैग भी हो सकता है, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है ये, बिग एंड स्मॉल कोई नाउन नहीं है, ये क्या है हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फैट थिन, न्यू ओल्ड, हॉट कोल्ड, टॉल शॉर्ट, हैप्पी सैड, ड्राई वेट, सॉफ्ट हार्ड, लिटिल लिटिल नहीं होता, लिटिल बिग, रिच पुअर, फर्स्ट लास्ट, गुड बैड, हो गए। यानी कि हमारा बिग बैग भी हो सकता है, बैग क्या है, नाउन है, एंड स्मॉल बैग भी हो सकता है क्योंकि बैग क्या है, नाउन है। फैट कैट भी हो सकता है ना, कि बहुत मोटा सा बिल्ली, फैट कैट क्या है, ये एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है। एंड थीन कैट भी हो सकता है, यानी कि पतला सा बिल्ली। न्यू शूज, यानी कि न्यू शूज है ना, यानी कि शूज क्या है हमारा, नाउन है। अब वो शूज कैसा है, न्यू है। ओल्ड, यानी कि ओल्ड शूज भी हो सकता है, यानी कि शूज कैसा है हमारा, पुराना, यानी कि ओल्ड, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है ना, न्यू है, ओल्ड है, फैट है, थीन है, बिग है, स्मॉल है, तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। यानी कि टॉल, टॉल गर्ल, शॉर्ट गर्ल, यानी कि गर्ल क्या है हमारा, नाउन है, तो गर्ल कैसा है यहाँ पर, बहुत टॉल या फिर बहुत शॉर्ट। हैप्पी सैड, ठीक है, हैप्पी सैड, ये भी क्या है, माय ग्रैंडफादर इज सो हैप्पी, यानी कि डिस्क्राइब ग्रैंडफादर कैसा है, बहुत हैप्पी है या फिर बहुत सैड है, ये सब है। ड्राई यानी कि सूखा हो जाना एंड वेट यानी कि गीला हो जाना, यानी क्लॉथ यानी कपड़ा क्या है, एक नाउन है, कपड़ा नाम है ना, तो वो सूखा है या गीला है, या फिर कपड़ा को छोड़ के बहुत सारा वर्ड होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो नाउ, और ये जो पूरा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होता है हमेशा हमारा नाउन के आगे होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आप लोग को यहाँ पर पिक्चर देखना है और यहाँ पर जो ब्लैंक्स जो है वहां पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। सो नाउ अ डैश गर्ल, अब गर्ल कैसा है यहाँ पर, टॉल है ना, सो अ टॉल गर्ल, अब गर्ल जो है
गर्ल क्या है हमारा नाउन है. अब गर्ल कैसा है टॉल तो ये हमारा एडजेक्टिव्स अ डैश बॉय. अब गर्ल के पास में बॉय है अब बॉय कैसा है शॉर्ट है छोटा है ना. बॉय क्या है हमारा नाउन है. अब बॉय कैसा है शॉर्ट है सो अ शॉर्ट बॉय अ डैश बर्ड यानी कि बर्ड तो है और कैसा बर्ड है अ ब्लैक बर्ड. ठीक है नंबर फोर अ डैश फ्लावर यानी कि फ्लावर तो है पर कैसा है अ लवली फ्लावर. ये ना लवली कितना प्यारा सा है ना फ्लावर तो है. फ्लावर क्या है हमारा नाउन है और इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहे हैं यहाँ पर लवली. आया वो बर्ड क्या है हमारा नाउन है ना नाम है ये. अब बर्ड कैसा है ब्लैक है एंड क्या है एडजेक्टिव्स. अब बॉय है यहाँ पर बॉय नाउन है एंड बॉय कैसा है वो शॉर्ट यानी कि छोटा है तो ये हमारा एडजेक्टिव्स. एंड गर्ल तो है यहाँ पर गर्ल कैसा है टॉल तो ये हमारा एडजेक्टिव्स. नंबर फाइव अ डैश ड्रिंक. अब ड्रिंक कैसा होता है कोल्ड ड्रिंक होता है ये कोका कोला यानी क्या कोक यानी क्या है कोल्ड ड्रिंक है ना अ कोल्ड ड्रिंक. अब ड्रिंक कैसा है वो कोल्ड है यानी कि ड्रिंक को डिस्क्राइब करने वाला क्या वर्ड यहाँ पर कोल्ड है. ठीक है नंबर सिक्स अ डैश पैंट तो पैंट यानी क्या है एक नाम है ये नाउन है. अब पैंट कैसा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अ वेट पैंट गीला यानी कि पैंट क्या कैसा है वेट है ड्राई भी हो सकता है और जो पैंट को डिस्क्राइब कर रहा है वही हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड. नंबर सेवन अ डैश लेडी यहाँ पर कितने पैसा है ना लेडी के पास तो ये क्या हो हमारा अ रिच लेडी यानी कि लेडी तो है वहां पर कैसा है वो बहुत रिच है तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. ठीक है सो अ टॉल गर्ल अ शॉर्ट बॉय अ ब्लैक बर्ड अ लवली फ्लावर अ कोल्ड ड्रिंक अ वेट पैंट अ रिच लेडी हो गया ये है ना. सो नाउ दूसरा देख लेते हैं सुना एट द गिवन वर्ड टू ईच सेंटेंस. तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको सही वर्ड जो है इस सेंटेंस में डालना है. ठीक है पर यहाँ पर डालने से पहले हम लोग को क्या करना है नाउन ढूंढना है. नाउन नाउन यानी क्या है नेमिंग वर्ड. अगर आप लोग ढूंढेंगे तो ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है ना वो कहाँ पर डालना है आप लोग को इजी होगा क्योंकि ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है वो हमारा एडजेक्टिव्स है यानी कि एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करता है. अगर हम नाउन ढूंढेंगे तो उसके आगे हम एडजेक्टिव्स अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और हमारा गलत भी नहीं होगा है ना. सो नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम नाउन ढूंढेंगे ये फाइव है यहाँ पर फाइव क्वेश्चन है तो फाइव क्वेश्चन में हम नाउन ढूंढेंगे. सबसे पहले दिस इज अ फ्लावर यानी कि नाउन क्या है हमारा फ्लावर क्योंकि फूल जो है वो क्या है एक नाउन यानी नेमिंग वर्ड है ये. ठीक है नंबर टू दिस इज एन डैश दिस इज एन एप्पल तो यहाँ पर क्या हमारा नाउन एप्पल है क्योंकि एप्पल जो है एक फ्रूट का नाम है. नंबर थ्री सिमी इज अ गर्ल. ठीक है अब यहाँ पर नाउन क्या है हमारा एक तो सिमी है और दूसरा है हमारा गर्ल. ठीक है नंबर फोर मोनो इज अ बॉय. अब यहाँ पर नाउन क्या है हमारा नेमिंग वर्ड मोनो और बॉय ये हमारा नेमिंग वर्ड. ठीक है नंबर फाइव टॉनी हैज अ डॉग. अब यहाँ पर नाउन क्या है हमारा टॉनी एंड डॉग तो यहाँ पर हमें जो एडजेक्टिव यानी जो ब्रैकेट में दिया है इसी नाउन के आगे लिखना है. ठीक है सो नाउ नंबर वन दिस इज अ फ्लावर यानी कि ये फ्लावर जो है वो कैसा है रेड है सो दिस इज अ रेड फ्लावर हो गया इजी हुआ ना नाउन ढूंढने नाउन ढूंढने की वजह से. नंबर टू दिस इज एन एप्पल तो एप्पल कैसा है अब हमारा एप्पल बिग है सो क्या होगा यहाँ पर नाउन के आगे होगा एडजेक्टिव है ना सो दिस इज
बिग एप्पल, इज अ बिग, ठीक है. नंबर थ्री, सिमी इज अ गर्ल. तो सिमी यहाँ पर हम नहीं डालेंगे इसके आगे. अब सिमी द गर्ल है, लड़की है, पर कैसा लड़की है वो. सिमी इज अ थीन गर्ल, ठीक है. नंबर फोर, मोनू इज अ बॉय. अब मोनू कैसा है, कैसा बॉय है वो, फैट बॉय है, यानी कि मोनू फैट है, ये डिस्क्राइब कर रहा है ना. तो वो रहा हमारा एडजेक्टिव. सो मोनू is a fat boy, ठीक है. नंबर फाइव, टॉरी हैज अ डॉग. अब टॉरी के पास डॉग है, पर डॉग कैसा है, लवली. सो टॉनी हैज अ लवली डॉग. तो इस तरीके से आप लोग को एडजेक्टिव लगाने से पहले नाउन ढूंढना है, एंड नाउन के आगे आप लोग अच्छी तरीके से ऐसा ही प्लेस आप लोग एडजेक्टिव जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखना है, यानी कि ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, तो यहाँ पर वही रहेगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पर किस तरीके से लिखना है आप लोग को. यहाँ पर री राइट ई सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि यहाँ पर जो दिया है ना इसका आपको अपोजिट लिखना है, पर अपोजिट हो या फिर जो कोई भी हो. अब यहाँ पर जो नाउन को डिस्क्राइब ही कर रहा है ना. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही हैज एन ओल्ड कार. ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, न्यू, है ना. सो ही हैज अ न्यू कार, ओके. नंबर टू, द कॉफी इज हॉट. सो यहाँ पर क्या होगा, द कॉफी इज कोल्ड. यहाँ पर क्या होगा, हॉट का जो ऑपोजिट क्या रहेगा, कोल्ड. एंड गुड का क्या रहेगा, बैड. सो वी आर बैड बॉयज, ठीक है. नंबर फोर, योर क्लोथ्स आर वेट. अब वेट यानी गीला होना, एंड वेट का ऑपोजिट क्या रहेगा, ड्राई, यानी सूख जाना. तो यहाँ पर क्या होगा, योर क्लोथ्स आर ड्राई, ठीक है. नंबर फाइव, जूलीस इज अ रिच वुमन, यानी रिच, बहुत रिच है. अब रिच का ऑपोजिट क्या रहेगा, पुअर. यहाँ पर क्या होगा, जूलीस is a poor woman, ठीक है. नंबर सिक्स, they have big house. तो big का opposite क्या होगा, small. तो यहाँ पर क्या होगा, they have small house, ठीक है. नंबर सेवन, सी हैज अ ब्लैक रिबन. अब रिबन कैसा है, ब्लैक है, एंड ब्लैक का ऑपोजिट क्या रहेगा, व्हाइट. तो यहाँ पर क्या होगा, सी हैज अ व्हाइट रिबन. तो इस तरीके से हम अपोजिट वर्ड को यहाँ पर लगा सकते हैं, अपोजिट हो या फिर अपोजिट ना हो, पर डिस्क्राइब तो डिस्क्राइब ही कर रहा है, यानी कि हमारा एडजेक्टिव सही है, ठीक है. एक बार फिर से देख लेते हैं, He has an old car, यानी कि old का opposite रहा new. तो हमने लिखा He has a new car. The coffee is hot. Hot का opposite क्या है, cold. So the coffee is cold. Number three, we are good boys. अब good का opposite क्या है, bad. तो यहाँ पर क्या होगा, we are bad boys. Number four, your clothes are wet. अब wet यानी गीला हो जाना. अब इसका opposite क्या है, यानी कि ड्राई. सो योर क्लोथ्स आर ड्राई. नंबर फाइव, जूलियस इज अ रिच वुमन. अब रिच का अपोजिट क्या रहेगा, पुअर. यहाँ पर क्या होगा, जूलियस इज अ पुअर वुमन. नंबर सिक्स, दे हैव बिग हाउस. यानी कि बिग हाउस, बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल. यहाँ पर क्या होगा, दे हैव स्मॉल हाउस. नंबर सेवन, सी हैज अ ब्लैक रिबन. अब ब्लैक का ऑपोजिट क्या होगा, व्हाइट. सो सी हैज अ व्हाइट रिबन. तो ये रहा हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स.
ठीक है। तो आप लोग आप क्लियर हो गए होंगे, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि जो हमारा पूरा टॉपिक जो है इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या है, हमारा इंग्लिश ग्रामर में बोले जाते हैं। जिस तरीके से नेमिंग वर्ड्स होता है उसको इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोले जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव्स का काम क्या है, ये जो हमारा नाउन जो है, कोई भी चीज का नाम, कोई भी इंसान हो या फिर डॉग कैट एनिमल बॉल कोई भी हो, उसको डिस्क्राइब करना कैसा है वो, ठीक है, जिसके हम हमेशा हम डिस्क्राइब करते हैं। जिसके अगर हम किसी का नाम पता नहीं होता है तो हम डिस्क्राइब करते हैं ना, जिसके अगर हम कहेंगे अरे सुनो तुम इधर आओ, हम किसी को बुलाएंगे, है ना, अब क्या है, अब हमें पता ही नहीं है कि अब उसका नाम क्या है ना, तो हम तब क्या करते हैं, वो जो लंबी सी लड़की है या फिर छोटी सी लड़की है उसको बुलाओ, यानी कि लड़की तो है वहाँ पर, अब कैसा है वो, लंबी है छोटी है, एंड उसको डिस्क्राइब करके हम क्या करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहेंगे किसी को जाओ बुक लेके आओ, है ना, पर उसको बुक का नाम पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जाओ हमारे टेबल पर, और टेबल पर क्या है, एक येलो कलर का बुक है, अब बुक तो है वहाँ पर, अब किस तरीके से मैंने डिस्टर्ब किया, बुक का कलर कैसा है, येल्लो, यानी कि हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि बुक क्या है हमारा नाउन, अब येलो क्या है एडजेक्टिव, यानी कि बुक का कलर। इस तरीके से हम जो नेमिंग वर्ड के आगे जो वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लगाते जो वर्ड लगाते हैं उसे डिस्क्राइब करने के लिए उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। सो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, ठीक है, अब आपको होमवर्क ये रहेगा कि मैंने जो पढ़ाया है आपको एक बार फिर से दिखना है, और आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, यानी कि आप लोग क्लियर हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो क्या एडजेक्टिव्स है, कहाँ पर लगाए जाते हैं, कौन सा नाउन है ना, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। यानी इन अ सेंस इस टॉपिक में जो हम कर रहे एडजेक्टिव्स है ना, जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स हम लोग को पता होगा, पर साइड बाय साइड हम लोग को नाउन भी पता होगा, क्योंकि हमें नाउन को ही डिस्क्राइब करना है ना, इसीलिए। ओके, सो दिस वॉज फॉर टुडे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।